बात है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़े का या छोटे का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। हमें संख्या दी हुई है और ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या संख्या रेखा पर बाईं ओर आएगी और उनमें से कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। तो बच्चों, संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते जाएंगे तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाएंगे तो जो संख्याएं हैं वो उनके मान हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, संख्याएं बढ़ते चली जाती हैं। और जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाएंगे तो संख्याएं घटती चली जाती हैं। तो बाईं ओर संख्या वही आएगी जो छोटी होगी, क्योंकि तो बड़ी संख्या आएगी दाईं तरफ और छोटी संख्या आएगी बाईं तरफ। तो पहला पार्ट है 530 और 503, इनमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या संख्या रेखा पर बाईं ओर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो 503 है वो संख्या छोटी है 530 से। ये जो निशान है ये छोटे का निशान है, 503 छोटा है 530 से। इसको क्या पढ़ेंगे हम कि 503 छोटा है 530 से। तो मैंने कहा था कि जो छोटी संख्या होगी वो ही संख्या रेखा पर बाईं ओर आएगी, तो इसलिए 503 छोटी है। तो 503 530 के बाईं ओर होगी या संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित होगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने एक रेखा खींची यहाँ पर और ये मेरा यहाँ पर है जीरो। यहाँ से शुरू करते हैं तो इधर चलेंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से संख्याएं चलेंगी। इधर आते हैं हम तो यहाँ पर -1, -2, -3 इस तरह संख्या चलती है। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे जैसे आप दाईं तरफ जा रहे हैं संख्याएं बढ़ रही हैं, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4। और जैसे जैसे आप दाईं तरफ से बाईं ओर आ रहे हैं संख्याएं घटती जा रही हैं। ऐसा ही इस तरफ है, जैसे जैसे आप 0 से इधर आएंगे बाईं तरफ संख्याएं घटती जाएंगी। -1 छोटा है, -2 और छोटा है, -3 और छोटा है। और जैसे जैसे आप इधर चलेंगे दाईं तरफ संख्याएं बढ़ती जाएंगी। -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0 और 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2 संख्याएं बढ़ रही हैं। बी पार्ट करते हैं 370 और 307। 370 और 307 इन दोनों में हमें बताना है कि कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी के बाईं ओर है। तो यहाँ पर 307 है वो छोटा है 370 से, तो छोटी संख्या होगी वो संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के यानी अपने से बड़ी संख्या के बाईं ओर होगी। तो 307 छोटी है तो छोटी संख्या बाईं ओर होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 307 370 से छोटी है, इसलिए संख्या रेखा पर 307 370 के बाईं ओर स्थित होगी। सी पार्ट है 98,765 और 56,789। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको कि 56,789 है वो बच्चों छोटी है किससे, 98,765 से। तो छोटी है तो ये संख्या कहाँ होगी, बाईं ओर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 56,789 संख्या रेखा पर 98,765 के बाईं ओर होगी। डी पार्ट को पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ पर भी हमें बताना है कि कौन सी संख्या है वो संख्या रेखा पर दूसरी के बाईं ओर होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो संख्या है ये छोटी है, क्योंकि इसके अंक गिन लीजिए आप। यहाँ पर ये संख्या है इसमें अंक हैं 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 अंकों की संख्या है।
और ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंकों की संख्या है। तो ये तो आपको पता है कि 7 अंकों वाली संख्या 8 अंकों वाली संख्या से क्या होगी, छोटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो संख्या हमारे पास है ये छोटी है किससे, इस संख्या से। इसलिए 98,30,415 ये छोटी होगी 1,23,001 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 98,30,415 संख्या रेखा पर 1,23,001 के बाईं ओर स्थित होगी। तो बच्चों, ये जो 7वां सवाल था ये आपका पूरा होता है यहाँ पर। 8वें सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। जो सही होगा वो सत्य होगा और जो गलत होगा उसको हम असत्य कहेंगे। तो 8वें का वो जो ए पार्ट है उसको पढ़ते हैं। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यानी जो शून्य है, 0 है, वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों? क्योंकि शून्य एक प्राकृत संख्या है ही नहीं। छोटी तो तब होगी ना जब ये होगी। 0 आप जानते हैं कि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, उसमें 0 नहीं आता। तो जब प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 आएगा ही नहीं तो सबसे छोटी कैसे होगी। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये जो कथन है ये क्या है, असत्य है। बी पार्ट है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अब मैंने बताया था पूर्ववर्ती होता है उससे एक पहले वाली संख्या। तो 400 का की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 399। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इसने कि 400 399 का पूर्ववर्ती है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 399 है वो 400 का पूर्ववर्ती है, 400 399 का पूर्ववर्ती नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। सी है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 0 से, शून्य से। तो शून्य सबसे छोटी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। तो ये सी पार्ट क्या है, सत्य है। डी है, 600 संख्या 599 का पर्वर्ती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 599 का पर्वर्ती क्या आएगा, 599 से एक ज़्यादा। तो कितना हो जाएगा, 599 जमा एक हो जाएगा 600। और यही दे रखा है कि 600 599 का पर्वर्ती है, तो ये सत्य है। ई पार्ट है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से। तो यहाँ पर कहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर सारी प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं। तो 1 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 4 5, वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये क्या है, सत्य। अगला पार्ट है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, ये उसका बिल्कुल उल्टा है, लेकिन ये असत्य होगा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। पूर्ण संख्याओं में हम सबसे पहले 0 को लेते हैं, शून्य को। शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो 0 एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असत्य। अगला पार्ट है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अब 2 अंकों की पूर्ण संख्या हमारे पास बहुत सी होती हैं, 10 से शुरू हो जाएंगी और 99 तक। अब उसका पूर्ववर्ती हम करेंगे तो 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है,
10 हमारे पास एक दो अंक की पूर्ण संख्या है, उसका पूर्ववर्ती हम करेंगे तो कितना आएगा, 10 का पूर्ववर्ती उससे एक कम 9 आएगा, और 9 क्या है, एक अंक की संख्या तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो अंक की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या नहीं हो सकती, तो ये गलत कह रहा है, असत्य है, क्योंकि हो सकती है, 10 का पूर्ववर्ती 9 होता है, 10 दो अंक की है और 9 एक अंक की संख्या है। स्पार्ट है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत है ये, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अगला आई पार्ट है, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब एक का पूर्ववर्ती अगर देखा जाए तो हो जाएगा, उससे एक कम यानी 0 हो जाएगा, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, हमें प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती बताना है, एक से नीचे तो कोई संख्या प्राकृत है ही नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती हैं, तो यहाँ पर एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, प्राकृत संख्या एक का, अगर आपसे पूछा जाए कि एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता तो आप कहेंगे एक का पूर्ववर्ती होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये सत्य है, क्यों, क्योंकि 0 है वो प्राकृत संख्या नहीं है। जे पार्ट है, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो यहाँ पर हमारे पास एक अब एक पूर्ण संख्या है, तो उसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, उससे एक कम 0, और 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती होता है, कितना 0, तो ये हमारा जो कथन है इसमें कह रहा है कि पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये असत्य है, क्योंकि एक का पूर्ववर्ती 0 होता है। अगला के पार्ट है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में है, ये गलत है, क्योंकि 13 जो संख्या है वो 11 और 12 के बीच में नहीं बल्कि 11 12 के बाद है, तो ये असत्य है। अगला है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या हमारे पास 0 है, ठीक है, उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि 0 से छोटा, पूर्ववर्ती का मतलब है उससे एक कम, अब 0 से हम एक कम करेंगे, इसमें से एक घटाएंगे तो हमारे पास आए घटा का एक, और घटा का एक एक पूर्ण संख्या नहीं है, वो एक पूर्णांक है, तो ये सही कह रहा है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है। एम पार्ट है, दो अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है, अब इसने कहा सदैव यानी कि हमेशा, दो अंकों की संख्या हमारे पास है 99, अब उसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती होता एक ज़्यादा, तो 99 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 100, लेकिन 100 तीन अंकों की होगी, दो अंकों की नहीं रही, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव दो अंकों की संख्या नहीं होती, सदैव कह रहा है यहाँ पर, होती है लेकिन सदैव नहीं हो सकती, 99 के केस में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 99 का जो प्रवृत्ति होगा वो कितना हो जाएगा 100, और 100 हो जाएगी तीन अंकों की संख्या, तो ये जो कथन है कि दो अंकों की संख्या का प्रवृत्ति सदैव ही दो अंकों की एक संख्या होती है, ये असत्य है।